असरा की शब था हक का भिकाशाना रक्स में असरा की शब था हक का भिकाशान रक्स में खुद से भी रात भर थे गुलामा समाप्त कीजिए कि देखे जो अगले इश्क को मस्तान रक्स में देखे जो अगले इश्क को मस्तान रक्स में देखे जो अगले इश्क में
मस्तान रक्स में आए फजाए काबा बुत खान रक्स में आए फजाए काबा बुत खान रक्स में ये कौन वाले हैं रमा है ये कौन है बहाले फकीरान रक्स में शेर समात फरमाइए और ये मैं उस्ताद गिरामी की नजर कर रहा अल्लाहुम्मा आमीन इरशाद फैजान गए ये नाते अल्लाह रसूले करीम का फैजान गए ये ना रसूले करीम का फैजान गए ये ना रसूल करीम का फैजान है ये नाते रसूल करीम का मैं वजद में हूँ और मेरा काशान रक्स में शान रक्स में वाकिफ नहीं हूँ इश्क के आदाब से मगे वाकिफ नहीं हूँ इश्क के
आदाब से गई मैं भी हूँ मिसले सब्ज़े बेगाना रक्स में ले जल्द अगले काफिला मजहर की भी खबर ले जल्द अगले काफिला मजहर नाराज फाश ये मस्तान रक्स में कर दे नाराज फाश ये मस्तान घर की भी खबर कर दे नाराज फाश ये मस्ताना रक्स मैं वजद में हूँ और मेरा शान रक्स में सारी जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्ला जनाबे सैयद जबीर मशहूद शाह बारगाह खैरुल अनाम अलैहि तैयद व सलाम में उस हस्ती का कलाम नज़र कर रहे थे जो हमारे शाह साहब की बड़ी पसंदीदा हैं और ख़ुद उन्होंने कहा कि मुझे तो मुतारफ़ ही सैयद मंजूरुल कौनैन ने करवाया, मुझे दुनिया जानती नहीं थी। ये हाफिज़ मजहर के ख़त का एक मैंने आपको टेक्स्ट आपके सामने रखा है, पुराने सारे लोग जानते हैं। एक ख़त में ख़ुद उन्होंने शाह साहब की इस मोहब्बत का जिक्र किया कि मुझे दुनिया जानती नहीं थी, मुझे घर से बाहर मंजूरुल कौनैन ने निकाला, मेरी नातों से शनासाई लोगों को सैयद मंजूरुल कौनैन की वजह से, उनके पढ़ने की वजह से नसीब हुई है।